हाय एवरीवन, दिस इज भव्य और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ रेडमी नोट 7 प्रो के केस की अनबॉक्सिंग, जो MTT का केस है जो मैंने फ्लिपकार्ट से लिया। चलिए अनबॉक्स करते हैं इस केस को। तो आप देख सकते हैं केस ये बहुत अच्छा लग रहा है, हाउस द जोश पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार केस की हम प्राइसिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे केस की प्राइसिंग आप देख सकते हैं 699 रुपीज़ लिखी हुई है, पर मैंने सिर्फ ये 169 रुपीज़ में लिया है फ्लिपकार्ट से। तो इसमें लिखा हुआ है हाउस द जोश और आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको लगाऊंगा केस को अपने रेडमी नोट 7 प्रो के लिए। ये रेडमी नोट 7 प्रो और रेडमी नोट 7 दोनों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, आप देख सकते हैं कटिंग बहुत अच्छी है, पीछे से फिंगरप्रिंट के लिए भी कटिंग अच्छी है। ठीक है, नीचे से आप देख सकते हैं कटिंग अच्छी है, ऊपर से हेडफोन जैक के लिए भी, आईआर ब्लास्टर के लिए भी कटिंग अच्छी है। आगे से थोड़ी सी आपको आगे से प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी, और देख सकते हैं आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती है ईयर पीस के लिए। और अगर आप ऐसे ड्रॉप भी कर देंगे फोन को, तब भी आपको ये थोड़े से ऊपर हुए हुए केस है, जिससे आपका एक टेम्पर्ड भी बच सकता है। ठीक है, तो अगर हम फिंगरप्रिंट ट्राई करके देखते हैं तो देख सकते हैं आप फिंगरप्रिंट अच्छे से चल रहा है इसमें। ठीक है, फिंगरप्रिंट के लिए अलग सी प्रोटेक्शन भी दी हुई है। ठीक है, इसमें आपको अच्छा सा टेक्सचर भी दिया हुआ है यहाँ पे, जो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे टेक्सचर। ये वाला टेक्सचर भी लाइनों वाला बहुत अच्छा लग रहा है। अब अगर आप फोन ऐसे ड्रॉप भी कर देंगे, आपको कुछ नहीं होगा आपके फोन को, क्योंकि ये बहुत स्टेडी केस है, बहुत अच्छा केस है। ठीक है, थोड़ा सा ये फोन को आपके बल्की बना देता है, उससे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे थोड़ा सा ब्रिक टाइप आपको लग सकता है फोन में। पहले ही बता दूं, थोड़ा बहुत, मतलब इतना ज्यादा नहीं, आप यूज टू हो जाएंगे इस केस से थोड़े बहुत दिनों में, देख सकते हैं। अब ये मैं कटिंग की बात कर रहा था। ठीक है, ये बहुत अच्छी मेरे को लुक आ रही है इस केस की। ठीक है, नीचे से भी अच्छा सी लुक आ रही है। चलिए एक बार हम स्पीकर ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, स्पीकर्स देख लेते हैं हम कैसे हैं इसके। NCS में जाके एक बार देखते हैं कि अच्छे से आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, एक बार हम फिर देख सकते हैं, बिल्कुल जैसे केस के बिना आवाज़ आती वैसी आ रही है। अब हम एक बार केस उतार के ट्राई करेंगे। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं आप। अब अगर मैं आगे करूँगा, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सेम आवाज़ आ रही है केस के साथ भी और केस के बिना भी। तो बस यही चीज़ें थी मेरे को बताने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।